कहते हैं पैर फिसल जाए तो चलता है, लेकिन जुबान फिसल जाए तो नहीं चलता। इसलिए जब भी लोगों से बात करो, बहुत ही सोच समझ कर और अच्छे से करो। ऐसे एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो देखने के बाद आज हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। जो बच्चे आज नए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सरसाइज 5.2 की बेसिक कंसेप्ट को देखें, अदरवाइज़ आपको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1-2। पहले जो दो सम है उन्होंने बोला है, एक तो आप उसका मॉडुलस निकालें, जो बेसिक वीडियो में सीखा था इस फॉर्मूले की सहायता से। उसके बाद हमने एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था अल्फा का, तो वो बेसिक वीडियो जिन बच्चों ने देखी है अच्छे से समझ लगेगा, नहीं देखी तो फिर भी आप समझ लेना। मॉडुलस निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अप्लाई करने से पहले आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जेड को आप कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हो, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वाई माइनस का वन माइनस का अयोटा अंडर रूट थ्री, इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा आर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ, अगर आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का वन आती है, उसके बाद जो y की वैल्यू है वो कितनी आती है, अंडर रूट थ्री आती है। अयोटा नहीं लिख लेना साथ में, क्योंकि अयोटा को हैंडल कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है मॉडुलस निकालने का, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर मतलब माइनस वन की स्केयर प्लस वाई स्केयर मतलब अंडर रूट थ्री की स्केयर। इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा प्लस का वन हो जाएगा, स्केयर के साथ इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अंडर रूट थ्री माइनस का है, अंडर रूट थ्री यहाँ पर भी माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आया, तो क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ने वाला, स्केयर है तो पॉजिटिव ही हो जाना है, तो प्लस का बन गया थ्री। तो ये टोटल क्या बन रहा है, अंडर रूट फोर। अंडर रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है, टू। तो चलो मॉडुलस तो निकला है हमारे पास, मॉडुलस हमने क्या है निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, आर्गूमेंट्स, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैंने बेसिक वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने ये निकाल लिया उनको ये एक्सरसाइज बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है। एंगल कैसे निकालना है, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस अल्फ़ा को निकालना होगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा निकालते हैं, सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, मॉड में चल रहा है वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का अंडर रूट थ्री, ओके, ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, मॉड में चल रहा है थ्री, तो मतलब मॉड का मतलब ही क्या होता है, अगर नेगेटिव में है तो प्लस कर दो, अदरवाइज छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया क्योंकि प्लस में ही है। अब यहाँ पर जो नई बात आपको ध्यान में रखनी है, अभी तक आप लोगों ने टेंथ तक, जहाँ हमने वो अपना ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर किया था वहाँ तक, हमें ये ऐसे होता था ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पर तो इनवर्स आ गया। अब इनवर्स का क्या मतलब है, आपने प्लस टू में इसको बहुत ही आगे तक के लेवल का करना है इस इनवर्स को, तो यहाँ पर सिर्फ फिलहाल समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि टेन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पर ये अंडर रूट थ्री चलता है, टेन की कौन सी ऐसी वैल्यू है यहाँ पर ये अंडर रूट थ्री चलता है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास टेन 60 जो है वो क्या होता है, अंडर रूट थ्री होता है। टेन 60 हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट थ्री होता है। तो हमने इसको क्या करना है, रेडियन में लिखना है, तो इस यहाँ पर फिर आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। यहाँ मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, टैन इनवर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि टैन की कौन सी वैल्यू पर ये अंडर रूट थ्री चलता है। तो अल्फा मतलब 60 डिग्री पर टैन की वैल्यू अंडर रूट थ्री होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियन में लिखना है, तो इसीलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई ओवर थ्री हो जाएगा। हमने क्या निकालना है, हमने थीटा निकालना है, हमने क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले उसको चेक करते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, रियल की वैल्यू भी नेगेटिव है और इमेजिनरी की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है। दोनों ही वैल्यू किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए थीटा कैसे निकलेगा, ये ऐसे फिल करके, थीटा इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला है ना थीटा निकालने का, बेसिक वीडियो में बताया था मैंने कि थीटा निकालने का फॉर्मूला ये है। तो क्या आएगा, माइनस का
पाई, अब यहाँ पर वैल्यू ना भर लेना क्योंकि हमने एंगल निकालना है। थीटा पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना है पाई अपॉन 3, यहाँ पर 1 लगा कर एलसीएम करो तो माइनस चल ही रहा है, तो क्या बन गए 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 पाई अपॉन 3, माइनस बाहर पड़ा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 पाई अपॉन 3। तो हमने मॉडुलस भी निकालनी है और आर्गुमेंट्स भी निकाल लिए हैं। सेम सेकंड सम में बोला है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स निकाल दीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आर्गुमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करने से पहले इसको पहले कंपेयर करना पड़ता है आर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल रही है माइनस का अंडर रूट 3 और वाई की वैल्यू निकल रही है हमारे पास ओनली 1, क्योंकि ये सिर्फ क्या है ओनली अयोटा है। ठीक है, तो ठीक है, तो फॉर्मूले फिल करते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर मतलब माइनस का अंडर रूट 3 की स्केयर प्लस वाई स्केयर मतलब 1 की स्केयर। सॉल्व करोगे ये तो बनने वाला है अंडर रूट 4 जिसकी वैल्यू क्या है 2, सेम पहले जैसा ही है, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 2। ठीक है, आर्गुमेंट ने निकाल लिया पंगा पड़ता, मॉडुलस तो निकाल लिया, पंगा पड़ता है आर्गुमेंट निकालने के लिए। उसके लिए सबसे पहले चेक करना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देख रहे हैं इस यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव चल रही है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, तो हमारे पास ये वाला है ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव चल रही है, वाई की वैल्यू क्या चल रही है पॉजिटिव चल रही है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है पाई माइनस अल्फा, पहले अल्फा निकालो, अल्फा किससे निकलेगा इसकी सहायता से, सो क्या बनेगा अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स मॉड में वाई मतलब 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या है माइनस का अंडर रूट 3। तो मॉड में जो कोई भी चीज़ होती है वो क्या हो जाती है प्लस में, मैंने आपको बताया है कि मॉड क्या करता है चीज़ों को क्या करता है पॉजिटिव कर देता है अगर वो नेगेटिव है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया टैन इनवर्स पाई ओवर 1 ओवर अंडर रूट 3। और मैंने आपको पीछे बताया है कि आपका इस इनवर्स का मतलब क्या है कि टैन की कौन सी ऐसी वैल्यू पे ये 1 ओवर अंडर रूट 3 है, टैन की कौन सी ऐसी वैल्यू पे ये क्या है 1 ओवर अंडर रूट 3 है। तो रेडियन में बताना है, तो मैंने चेक किया है कि टैन हमारे पास पाई ओवर 6 पे 1 ओवर अंडर रूट 3 होता है, तो हमें रेडियन में चाहिए था इसलिए हमने ये रेडियन में लिख लिया है। तो हम देख रहे हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसी हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या है पाई माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी पाई माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना निकाला आपने पाई अपॉन 6, यहाँ पर एलसीएम करो ये बनेगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो ये क्या बनेगा 5 पाई अपॉन 6, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। Thank you.